सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती होंगी कि आप लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग अब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। चित्र के अनुसार सही मात्रा लगाकर शब्द पूरा करिए। चलिए हम लोग अब इसे बुक में देखते हैं। चित्र के अनुसार सही मात्रा लगाकर सब पूरे करके लिखिए। अब बच्चों, आप लोग अपनी अपनी पेंसिल ले लीजिए। ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? मच्छल। ये किस चीज़ की चित्र है बच्चों? मछली की। यहाँ पे क्या मात्रा लगेगी बच्चों? ल में बड़ी की मात्रा, तो शब्द हो जाएगा मछली। मछली क्या है बच्चों? जल की रानी। अगला चित्र है हमारा बच्चों सूरज, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? सरज। इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? सा में बड़ी उ की मात्रा, सूरज, जो कि नीचे से लगेगा। तो ये शब्द यहाँ पे आप लोग को लिखना है मात्रा लगाकर। अगला शब्द है हमारा हिरण। किस चीज का चित्र है बच्चों? हिरण का चित्र है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? हरण। हरण का कोई मतलब नहीं हुआ बच्चों, तो इसे हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो कि आगे से लगती है। ये शब्द हो जाएगा हमारा हिरण। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? जोकर, लेकिन क्या लिखा हुआ है बच्चों? जकर। तो इसमें हम ज में ओ की मात्रा लगाएंगे और शब्द हो जाएगा जोकर। अगला चित्र है बच्चों हमारा अनर। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? अनार का। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खाते होंगे। नौ में हम क्या चीज की मात्रा लगाएंगे बच्चों? आ की मात्रा। हाँ, बन जाएगा अनार। तितली का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं, लेकिन चित्र के अनुसार आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कि क्या है। तितली, हाँ, जो फूलों पे बैठ के रस चूसती है। इसमें दो मात्रा लगेगा बच्चों, एक छोटी की मात्रा त में आगे से और ल में बड़ी की मात्रा, तो शब्द हो जाएगा हमारा तितली। आप इसे घर पे पूरा कर लीजिए और घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली कक्षा में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।